हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कॉपी या किसी भी किताब में आपको कवर कैसी लगानी है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी कवर लगानी है, जिसके लिए आपको चाहिए एक स्टेपलर और एक सीजर चाहिए और एक कवर चाहिए जो अच्छी क्वालिटी की हो। और आप देख सकते हैं मेरी इस कवर की क्वालिटी इस कंपनी से है, जो इस तरह की कंपनी से, और ये अच्छी वाली क्वालिटी की कवर है। आप किसी भी क्वालिटी की कवर ले सकते हैं, लेकिन अच्छा यही होगा कि आप अच्छी वाली क्वालिटी की कवर लें। बहुत अच्छी है, मोटी भी है और बहुत ही अच्छी है, शाइनिंग है। आप देख सकते हैं कवर कैसे लगाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कवर कैसे लगाई जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होती है कि कवर कैसे लगाई जाती है। घर वालों को बोलते हैं कि कवर लगा दो, ये करते हैं कि कवर लगाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और आपको जल्दी से जल्दी कवर लगानी हो, आपको वीडियो के जरिए आपको कवर लगानी हो तो बहुत आसानी से आप स्टूडेंट लगा सकते हैं। और अगर आप देख रहे हैं मेरे वीडियो को, कवर लगाना सीखना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए, अपने लिए, आसानी से लगा सकते हैं। जिसके लिए आपको ये वीडियो सारी देखनी होगी, आधी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं होगी, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि स्टेपलर कवर पर कैसे बैठाया जाता है, कैसे लगाया जाता है। तो आपको ये वीडियो देखनी होगी, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखें, आधा देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से कवर नहीं लगा पाएंगे। तो आप देखिए इसे, चुकी है। और आप इसे काट के नहीं निकालना है, इसे इस तरीके से हम नहीं काट सकते। आप देख सकते हैं इसका हम क्या करेंगे, इसको अंदर की तरफ हम इस तरीके से मोड़ देंगे और उसके बाद इसे भी मोड़ देंगे। इसे जल्दी से जल्दी मोड़ने के बाद हम इस तरीके से कॉपी रख दिए। कॉपी रखने के बाद इस तरीके से कर दिए हमें इसकी, हम इसे पहले भी काट सकते हैं बराबर कर लेने के बाद। मैं अभी काट रही हूँ तो आप पहले काट लीजिएगा। इसे अलग रख लिए। इसे अलग रखने के बाद ये थोड़ी सी ज़्यादा फिसल रही है तो मैं इसे दबाती हूँ। इसे हाथ पैर नहीं लगानी है तो हम इस तरीके से अपने घुटने की सहायता से इसे इस तरीके से दबा दें। और हम एक पेज या जितना भी पेज को आप कवर करना चाहते हैं, मोड़ना चाहते हैं अंदर की तरफ, आप इसे सबसे पहले, इसे आप नहीं मोड़ेंगे पहले, आप सिर्फ लंबाई वाले भाग को इस तरीके से मोड़ेंगे, जिससे कि कवर अच्छी तरह से आगे पीछे दोनों बैठ जाए। अगर आप इधर से कवर पहले मोड़ देंगे तो फिर अच्छी तरीके से कवर नहीं लगेगी, दोनों साइड से आप इस तरीके से कैप्चर कर लें कॉपी के पहले वाले भाग को। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से कर लेने, इस तरीके से कर लेने के बाद आपको ये चौड़ाई वाली भाग को मोड़ देनी है।
हम यहाँ टेढ़ा काटे हैं जिसकी वजह से हमें मोड़ने में आसानी हो रही है, इसलिए हम उसे सीधा नहीं काटते हैं। सीधा काटने से अच्छी से मोड़ने में आसानी नहीं होती है। आप देख सकते हैं इस तरीके से मोड़नी है, इस तरीके से आ गई है हमारी ये बाहर की तरफ। ऐसे भी हो सकती है आपकी, नहीं भी हो सकती है। तो हमें क्या करनी है, सबसे पहले तो इसे मोड़ेंगे हम चारों तरफ, चारों ओर की बाहरी भाग को। उसके बाद देख सकते हैं आप, हमने इस तरीके से मोड़ लिया है इस तरीके से, और ये जो निकल गई है बाहर की तरफ, हम उसे निकले या फिर ना निकले आपको ऐसी ही नहीं रखनी है। ऐसे करके हमें ऐसे पिन नहीं मारना है। आप देख सकते हैं पिन हमें कैसी मारनी है। सबसे पहले आप ये वाली जो भाग है, ये वाली भाग आप इसे इस तरीके से हल्के से अंदर की तरफ तिरछा करके मोड़ दीजिए, यह मोड़ जाएगी आसानी से। आप देख सकते हैं ऐसे करके आप मोड़ दीजिए, जिसमें हमें इस वाले लाइन पे पिन लगानी है और सीधा नहीं लगानी है, तिरछी लगानी है। तो आप देखिए पहले कि हम पिन इसमें कैसे लगाते हैं। आप देख सकते, इसे छू लीजिए आप, और आपको थोड़ी सी छूने से पता चल जाएगा पिन कहाँ लगाना पड़े। आप देख सकते हैं यहाँ किनारे में लगा है पिन, उधर से देख सकते हैं हम दो पिन लगा दिए, क्योंकि यहाँ की लंबाई ज़्यादा है और हम दो पिन लगाए, छोटी होती लंबाई तो सिर्फ एक पिन में हो जाती। तो हम चारों तरफ के कोने पर हम इस तरीके से मोड़ देते हैं अच्छे से कैप्चर होने के लिए। और आप देख सकते हैं इस तरीके से हम मोड़ दिए हैं, और इसे भी हम इस तरीके से पिन लगा देंगे। आप देख सकते हैं थोड़ी सी, अगर आपको ऊपर, अगर आपको ऊपर नीचे पिन हो जाए इस तरीके से, तो आप इस तरीके से अच्छे से पकड़ करके उसी लाइन पे लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ दो पिन हो गई, इसे उखाड़ भी सकते हैं, नहीं उखाड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा भी रहेगा, कुछ नहीं होगा। देख सकते हैं लग गई है ये पिन, और आपको एक पिन इधर बीच में भी मारनी है, और आप देख सकते हैं इधर भी मारनी है, और एक बीच में भी मार देंगे, जिससे आपको अच्छे से कवर हो जाए। इस तरीके से आप लगा देंगे पिन। आप देख सकते हैं ये वाली पिन को हम तिरछा क्यों लगाएं, तिरछा इसलिए लगाए हैं कि ये वाली जो भाग है वो अच्छे तरीके से कवर हो जाए, बैठ जाए। आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए आप कभी भी सीधा नहीं लगाएं इस तरीके से, या इस तरीके से नहीं लगाएं। यहाँ का जो भाग है ये इस तरीके से होगा, जिसे आप इस तरीके से लगा सकते हैं। आप इधर भी इसी तरीके से मोड़ दीजिए कोना को, चारों कोना को, सिर्फ चार कोने होते हैं, तो आप इस तरीके से चार कोना को मार दीजिए स्टेपलर। देख लीजिए, छू लीजिए अच्छी तरीके से, देखिए आप बैठ के, ये वाली जो कोने वाली भाग है ऐसे जानी चाहिए, ऐसे ध्यान रहे, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इस चीज़ की। देखिए आप हमारी कवर लग के कितनी अच्छी तरीके से तैयार हो रही है। देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसे भी बीच में मार दिए, इसे किनारे पर मार दिए, इसे बीच में, दीपक आप देख सकते हैं इधर से किस तरीके से कवर लग के तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप बहुत ही अच्छी तरीके से कवर लगा सकते हैं, जो बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगी कि कवर कैसी है। देख सकते हैं कितनी प्लेन है, कितनी इधर से ख़राब नहीं है, हल्की से ऊपर नीचे वो भी जाएगी, इधर देखिए बराबर है, इधर देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अच्छी तरीके से बराबर आने के लिए हमें इसकी माप लेनी पड़ेगी कॉपी की सहायता से, जिसमें हमको कवर लगानी होती है। देख सकते हैं अच्छी तरीके से कवर लग के तैयार है। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको अपने स्टूडेंट्स, अपनी लाइफ में, अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए भी कवर लगानी हो, जिससे कि आपको लगाने में बहुत ही आसानी हो। देख सकते हैं आप, देखिए हमने कवर लगाई है, अभी बहुत सारी लगानी बाकी है, तो हम लगा रहे हैं, और आप भी लगाएं अपने बच्चों के लिए। तो थैंक यू, हम इतना ही
वीडियो बनाकर अंत करते हैं। प्लीज़ थैंक यू।